अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक ज़बरदस्त तफ्तीशी कहानी जिसका नाम है मसीहा की मौत, और ये इसका थर्ड और लास्ट पार्ट है। नसीम की इस रिपोर्ट से मुझे यकीन हो गया कि इस कत्ल में इमरान शामिल नहीं। आसफा के ख़िलाफ़ अभी शक बाकी था। डिस्पेंसर ने आते आते डेढ़ घंटा लगा दिया। मैंने उसे कहा कि वो बाहर कहीं बैठ जाए, सरजीत कौर आएगी। उसे देखकर मुझे बताए कि ये वही सिख लड़की है जो मकतूल के पास आया करती थी। सरजीत कौर भी आ गई। वो वाकई खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे की हल्की हल्की सुर्खी और चेहरे का तासर बताता था कि उसमें पाकीज़गी और पाकीज़ा ख्याली हो ही नहीं सकती। उसे मेरे दफ्तर में दाखिल कर दिया गया। मैंने उसे बिठाया और ख़ुद बाहर निकल गया। डिस्पेंसर ने कहा कि यही है। मैंने दफ्तर में आकर सरजीत कौर की कलाइयाँ देखी। उसकी चूड़ियों का रंग और डिज़ाइन वही था जो उन टुकड़ों का था जो मुझे मकतूल की लाश के करीब पड़े मिले थे। सरजीत, तुम्हें मालूम हो गया होगा कि तुम्हारा डॉक्टर राहत बेग कत्ल हो गया है। तुमने अखबार में भी पढ़ा होगा। आपने उसे मेरा डॉक्टर क्यों कहा है? मैं एक दो बार ही उसके पास गई होंगी। तुमने बाहर डॉक्टर के डिस्पेंसर को खड़े नहीं देखा? क्या उसे तुम्हारे सामने खड़ा करके पूछूं कि तुम कितनी बार डॉक्टर राहत के पास गई थी? उसने मेरे मुंह पर नज़रें जमा लीं और उसकी आंखें खुल गईं। क्या तुमने डॉक्टर की खातिर अपने खाविंद को जहर दिया है? उस पर सकता तारी हो चुका था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे हिलाया तो उसने मेरी तरफ़ देखा। उसका ये जुर्म तो साफ नज़र आ रहा था कि उसने अपने खाविंद को जहर दिया है, जिसका खाविंद के पास कोई सबूत ना था। मुझे उसकी इस वारदात का ज़रा सा भी ख्याल ना था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि कत्ल की रात मकतूल के पास यही औरत थी या कोई और थी। कातिल तो कोई मर्द ही होगा, लेकिन मुझे शक था कि ये वहाँ मौजूद थी। नहीं बोलोगी तो तुम्हें परेशानी होगी, मेरे साथ तावुन करोगी तो मैं तुम्हें इज़्ज़त दूँगा। मैंने तुम्हें किसी शक पर नहीं बुलाया, मेरे पास सबूत हैं। मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब उसने मेरे मुंह की तरफ़ देखा तो उसके होंठों में हल्की सी जुम्बिश हुई, जैसे वो मुस्कुराना चाहती हो। मुझे सिर्फ़ एक बात का जवाब दे दो, तुमने ये क्यों कहा कि डॉक्टर के पास तुम एक दो बार ही गई थी? वो तुम्हें कभी कभी जिस होटल में ले जाया करता था, उस होटल के बेरे तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। मैंने उसके पांव तले से ज़मीन निकालने के लिए झूठ बोला। मैं तुम्हें एक डायरी दिखाऊंगा जिस पर डॉक्टर राहत के साथ तुम्हारी हर एक मुलाकात का दिन भी और वक्त भी लिखा होगा। उसने सर झुका लिया। एक सवाल और भी है, तुमने उस रात शराब कहाँ पी थी? तुम शाम के बाद घर से निकल गई थी और रात को शराब के नशे में मस्त घर गई थी, कहाँ गई थी? किसी जगह का नाम लो, मैं वहाँ से तस्दीक कराऊँगा। सच बोलोगी तो फ़ायदे में रहोगी। वो बोल नहीं रही थी। मैंने उसे कहा कि सोच ले और कुछ वक्त बाद जवाब दे। मैं बाहर निकल गया और एएसआई से कहा कि वो सरजीत कौर की उंगलियों के निशानात ले ले। एएसआई उसी वक्त अपना सामान उठाकर मेरे दफ्तर में चला गया। मैं आसफा और नसीम के पास चला गया, उनके साथ तसल्ली तशफ़ी की दो तीन बातें की और नसीम को इशारा किया कि बाहर आ जाए। मैं बरामदे में आया तो नसीम बाहर आ गई। देखो नसीम, तुमने मुझे बताया था कि डॉक्टर की बीवी जब कभी कहीं चली जाती थी डॉक्टर तुम्हें रोक लेता था। कत्ल की रात आसफा मेहंदी की तकरीब में चली गई थी, क्या डॉक्टर ने तुम्हें घर जाने से रोका नहीं था? नहीं, मैं ऐसे मौक़ों पर खुद ही रुक जाया करती थी। अब भी मुझे यही तवक्को थी कि डॉक्टर साहब चाहेंगे कि मैं उनकी खातिर रुकी रहूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आज मेरे मेहमान आ रहे हैं, तुम चली जाओ। एक बात और बताओ, डॉक्टर शराब पीता था, क्या वो तुम्हें पास बिठा कर भी शराब पिया करता था? नहीं, मेरी मौजूदगी में उन्होंने शराब कभी नहीं पी थी। मैं तो उन्हें शराब से रोका करती थी, लेकिन वो कहते थे कि मैं नशे की खातिर नहीं पीता बल्कि अपने आप को गुम कर देने की खातिर पीता हूँ। मैंने नसीम को आसफा के पास बैठने के लिए भेज दिया और ख़ुद बाहर आया। एएसआई सरजीत कौर की उंगलियों के निशान ले आया था। मलिक साहब, इस औरत को ढीला ना छोड़ना। मैं उसकी उंगलियों के निशान लेने लगा तो उसने दानिस्ता अपना गाल मेरे गाल से लगा दिया और पूछने लगी कि ये निशान क्यों ले रहे हो? मैंने उसे कहा कि ये निशान तुम्हें सीधा काला पानी ले जा रहे हैं। उसने फौरन अपना मुंह परे कर लिया। मैंने उसे कहा कि डरो मत,
तुमने आखिर जुर्म ही ऐसा किया है जो तुम्हें बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं अपने तमाम जेवरात और जितनी रकम तुम मांगोगे दे दूंगी, मैं अपना आप भी तुम्हारे हवाले कर दूंगी, मुझे थाने से निकलवाओ। मैंने उसे कहा कि बड़े थानेदार जो कुछ पूछें वो ठीक ठीक बता दो, फिर मैं उनके साथ बात करके तुम्हारा सौदा करा दूंगा, वो तुम्हारी बचत की कोई सूरत निकाल लेंगे। मैंने एएसआई से कहा कि वो शराब की टूटी हुई बोतल, दोनों गिलासों, टेलीफोन सेट और रिसीवर साथ लेकर और इन तीनों औरतों की उंगलियों के निशानात वाले कागजात लेकर डीएसपी के पास चला जाए और उससे चिट्ठी लेकर किसी हेड कांस्टेबल को आज ही फ्लोर भेज दे। फ्लोर में फिंगरप्रिंट ब्यूरो था जहां उंगलियों के निशानात देखे और मिलाए जाते थे। मैं दफ्तर में चला गया और सरजीत कौर के सामने बैठ गया। तुमने जो बात छोटे थानेदार से की है वो मेरे साथ कर लेती, तुम्हारी बचत की सूरत निकालना बहुत ही मुश्किल है, मुझ पर रहम करें और कोई सूरत निकालें। मैंने उस थानेदार से जो वादा किया है वो आप जिस वक्त चाहें मैं पूरा कर दूंगी। रिश्वत पेश करने का मतलब इकबाल जुर्म होता है। सरजीत कौर चालाक और होशियार हो सकती थी लेकिन थाना एक ऐसी जगह है जहाँ जराइम पेशा लोग भी आकर घबरा जाते। मुझे ये तो मालूम ही नहीं था कि डॉक्टर को कत्ल किसने किया है, मुझे ये यकीन ज़रूर था कि कत्ल का बायस यही लड़की है और ये कत्ल की ऐनी शाहिद है। अगर जुर्म के साथ इसका ताल्लुक ना होता तो ये इतनी ज़्यादा रिश्वत पेश ना करती। कत्ल करने के लिए तो बड़ी मजबूत दिल गुर्दे की ज़रूरत है, कत्ल होते देखना भी कोई कोई बर्दाश्त कर सकता है। सरजीत कौर को ये फ़ायदा हासिल था कि वो बाइस्मत औरत नहीं थी, लेकिन मेरा एएसआई उसे बता चुका था कि उसका अंजाम क्या होगा। उसका रंग पीला और आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं, उसके होंठ भी जिनका रंग गुलाबी था खुश्क होकर कुछ कुछ सफ़ेद हो चुके थे। मैंने उसे कहा कि वो मुझे पूरी बात सुना दे ताकि मैं इसके मुताबिक उसके लिए गुंजाइश निकालने की कोशिश करूँ। उसने पहले तो दो तीन लंबे लंबे सांस लिए, फिर उसने इधर उधर देखा, फिर उसने मेरे मुंह की तरफ़ देखा। उसकी ये हरकतें मेरे लिए नई नहीं थी। हर मुलसिम इकबाल जुर्म से पहले अपनी हैजानी कैफियत पर काबू पाने के लिए इसी किस्म की हरकतें करता है। पहले वो रुक रुक कर बोलना शुरू हुई, फिर मेरी हौसला अफजाई पाकर वो खुल कर बोलने लगी और जब उसके जज्बात में गर्मी आई तो वह एहतजाज के जोशीले लहजे में बोलने लगी। उसके जज्बात का भड़कना कुदरती अमर था क्योंकि उसे एक बूढ़े और बदसूरत सिख के साथ ब्याह दिया गया था। मैं उसका बयान अपने अल्फाज में ज़रा इख्तिसार के साथ पेश करता हूँ। उसने अपने जुर्म का जवाब पेश करने के लिए बड़ी लंबी बात शुरू कर दी, लेकिन मैंने उसे कहा कि सबसे पहले वो साफ अल्फाज में ये बताए कि उसने क्या जुर्म किया। मैंने उसके साथ हमदर्दी की बहुत सी बातें की थी, उसे उस वक्त हमदर्दी ही की ज़रूरत थी, वो डूब रही थी और रिवायती तिनके का सहारा तलाश कर रही थी। डॉक्टर राहत को मैंने कत्ल किया है लेकिन नशे और गुस्से की हालत में, मैं उसे कत्ल करना नहीं चाहती थी। उसने शायद कुछ और भी कहा होगा लेकिन मुझे आज भी याद है कि उसका ये एतराफ़ सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे बड़ी ज़ोर का भूंचाल आया हो। बाखुदा दो चार सेकंड के लिए तो मैं सुन हो गया। किसी वक्त भी मुझे ये ख्याल ना आया कि कातिल ये लड़की या कोई और औरत हो सकती है। सरजीत कौर ने अपना दूसरा जुर्म ये बताया कि उसने अपने खाविद को शराब में जहर मिलाकर पिलाया था। इसके बाद उसने अपनी पिछली हिस्ट्री सुनानी शुरू कर दी। उसे बड़े साफ अल्फाज में हर एक बात सुनाई। देहात के सिखों में शर्मो हिजाब होता ही नहीं, जवान बहू बेटियों के सामने भी गालियां बकते रहते हैं। देहाती सिखों में ये रिवाज शायद आज भी मौजूद होगा। उस ज़माने में तो इस रिवाज का वो बड़े फ़ख्र से ज़िक्र किया करते थे। एक भाई की शादी हो जाती तो उसके दूसरे भाई भावच को अपनी बीवी बना लेते थे। ये जलील हरकत खुले बंदों होती थी। दूसरा रिवाज ये था कि सिख अपनी सालियों को भी जायज़ समझते थे और उनकी बीवियां खुश होती थीं कि उनके खाविंद उनकी बहनों को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। सरजीत कौर ने बताया कि उसकी उम्र 14 साल थी जब उसकी बहन की शादी हुई थी। उसके बहनोई ने उसकी बड़ी बहन की ईमा पर ही उसी उम्र में ही उसे बेआबरू कर दिया, लेकिन लड़की चूँकि सिखों की लड़की थी इसलिए बेआबरूई में उसने अपनी आबरू समझी। इसके बाद सरजीत कौर ने बदकारी को ही ज़िंदगी का मकसद बना लिया। जब ये शादी की उम्र को पहुंची तो उसे उस ठेकेदार के साथ ब्याह दिया गया जिसकी उम्र 45 साल थी और जो बदसूरत भी था।
ठेकेदार ने अपना कारोबार दिल्ली में आकर शुरू किया था। एक साल के अंदर अंदर उसके पास इतनी दौलत जमा हो गई थी जो उससे संभाली नहीं जाती थी। उसने गांव में जाकर सरजीत कौर को ख़रीद लिया। शादी बाकायदा हुई थी। सरजीत कौर ने पहले रोज़ ही अपने खाविंद को धुतकार दिया। उसने चंद महीने रोते गुजार दिए। फिर उसकी मुलाकात डॉक्टर राहत बेग से हो गई। ये मैं आपको दूसरों की ज़ुबानी सुना चुका हूँ कि डॉक्टर राहत उसे किस नज़र से देख रहा था। सरजीत कौर ने मुझे बताया कि डॉक्टर पाकीज़ा मोहब्बत का हाँ हाँ था, लेकिन उस एक लड़की के जहन में मर्द और औरत की मोहब्बत का तस्वर बड़ा ही घिनौना था। सरजीत कौर ने अपने तवील बयान में मुझे बताया कि उसने डॉक्टर राहत बेग से कई बार कहा कि वो जस्मानी ताल्लुक़ चाहती है, लेकिन डॉक्टर राहत अजीब आदमी था जो इतनी खूबसूरत लड़की की ये पेशकश ठुकराता रहा। आखिर एक रोज़ डॉक्टर राहत ने उसे कहा कि वो अपने खाविंद से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करे और डॉक्टर अपनी बीवी को तलाक दे देगा। ये तो मुझे मकतूल के दो दोस्तों ने बताया था कि मकतूल ने सरजीत कौर को महज टाला था। उसे तवक्को थी कि सरजीत कौर खाविंद से छुटकारा हासिल नहीं कर सकेगी। सरजीत कौर ने मुझे बताया कि वो समझती रही कि डॉक्टर राहत इस मामले में संजीदा और पुरअज़्म है। सरजीत कौर ने अपने खाविंद से कहा कि वो उसे छोड़ दे। उस वक्त तक ये लड़की उस बूढ़े सिख पर छा चुकी थी। वो उसके सामने दबा दबा रहता था, लेकिन सरजीत कौर ने उससे छुटकारा हासिल करने की जब बात की तो बूढ़ा जोश में आ गया। उसने उसे साफ कह दिया कि उसने सरजीत कौर के बाप को 25,000 रुपया नकद दिया था और उसके बाप ने साहूकार से जो 5,000 रुपया ले रखा था वो भी इस सिख ने अदा किया था। खाविंद ने सरजीत कौर से कहा कि उसने उसे ख़रीदा है। अगर सरजीत कौर ने अलायदगी की बात की तो उसका गला घोंट कर जमुना में फेंक आएगा। सरजीत कौर ने शादी के फौरन बाद अपने जैसी एक सहेली से थोड़ा सा जहर लिया था जिससे वो खुदकुशी करना चाहती थी, लेकिन उसमें मरने की जुर्रत पैदा ना हुई। ये जहर उसके पास महफूज पड़ा था। सरजीत कौर ने मुझे बताया कि इस जहर में ये खूबी थी कि इससे आदमी फौरन नहीं मरता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता असर करता है और मरते मरते 10-12 दिन लग जाते हैं। सरजीत कौर ने अपने खाविंद की शराब की बोतल में यह जहर मिला दिया। रात को खाविंद शराब के साथ जहर पी गया। तीसरे दिन खाविंद ने इसके असरात महसूस करने शुरू कर दिए, जिन्हें वो मैदे की बीमारी समझता रहा। जब ये असरात और साफ होकर सामने आए तो सरजीत कौर ने डॉक्टर राहत से मिलने की ज़रूरत महसूस की। मौत जब आती है तो हालात अस खुद पैदा हो जाते हैं और बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। डॉक्टर राहत को सरजीत कौर के घर का टेलीफोन नंबर मालूम था। उसने सरजीत कौर को फ़ोन किया और कहा कि आज रात उसकी बीवी अपने किसी रिश्तेदार की मेहंदी की रस्म में जा रही है। उसने सरजीत कौर से कहा कि रात 8:30 से ज़रा बाद उसके घर आ जाए। सरजीत कौर आ गई। आसफा जा चुकी थी। डॉक्टर राहत ने शराब की बोतल निकाली और दो गिलास तपाई पर रख दिए। दोनों पीने लगे। सरजीत कौर ने मुझे बड़ी बेहयाई से बताया कि शराब के नशे ने उस पर शैतान सवार कर दिया था। उसने मकतूल से कहा कि उनकी शादी तो होती रहेगी, लेकिन वो शबे उरूसी आज ही मनाना चाहती है। डॉक्टर राहत ने पहली बार उस पर इंकशाफ किया कि वो उसे अपनी बहन की तस्वीर समझता है और वो उसके जिस्म के साथ कोई ताल्लुक रख ही नहीं सकता। सरजीत कौर पर एक तो शराब का नशा था, दूसरे जज्बात की हैवानियत थी, और उसे मज़ीद भड़काने का बायस ये बना कि मकतूल ने उसे कह दिया कि उसके साथ शादी कर ही नहीं सकता। सरजीत कौर ने उसे बताया कि वो उसके वादे पर अपने खाविंद को जहर दे चुकी है, जिसका असर शुरू हो चुका है। डॉक्टर राहत बेग ने जब ये सुना तो तड़प उठा। उसने सरजीत कौर से कहा कि अपने जज्बात की खातिर वो किसी इंसान को मरने नहीं देगा। सरजीत कौर ने उसे कायल करने की कोशिश की कि उसके खाविंद की यही सजा है कि उसे ज़िंदा ना रहने दिया जाए, लेकिन डॉक्टर राहत ने उसे कहा कि वो डॉक्टर है, डॉक्टर इंसानों को मौत से बचाया करता है, उनकी मौत का बंदोबस्त नहीं किया करता। डॉक्टर उठा और दूसरे कमरे में चला गया। सरजीत कौर को उस कमरे से जब आवाज़ आई, हेलो कौन बोल रहा है, तो सरजीत कौर घबरा गई कि डॉक्टर पुलिस स्टेशन या उसके खाविंद को फ़ोन कर रहा है। वो उठी और दूसरे कमरे में चली गई। उसने देखा कि डॉक्टर किसी को फ़ोन कर रहा था। सरदार जी, आपकी बीवी आपको जहर दे चुकी है। सरजीत कौर डॉक्टर पर झपट पड़ी और उनके दरमियान वो मुकालमे हुए जो मैं आपको सरजीत कौर के खाविंद की ज़ुबानी सुना चुका हूँ। टेलीफोन बंद नहीं हुआ था, उनके मुकालमे सरजीत कौर का खाविंद सुन रहा था। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सिख ठेकेदार को मालूम नहीं था कि कौन बोल रहा है।
मैंने सरजीत कौर से कहा कि उसे शायद मालूम नहीं कि वो जो बातें डॉक्टर राहत से कर रही थी वो उसका खाविंद सुन रहा था। ये बातें सुनकर ही वो अगली सुबह एक डॉक्टर के पास चला गया था। सरजीत कौर ने मुझसे पूछा कि उसका खाविंद थाने आया था। मैंने उसे बताया कि वो डॉक्टरी रिपोर्टें थाने में देकर बाकायदा केस दर्ज करा गया है। मैंने सरजीत कौर का हौसला कायम रखने के लिए उसे कहा कि वो फिक्र ना करे, मैं उसका ये जुर्म साबित नहीं होने दूंगा। सरजीत कौर ने बताया कि डॉक्टर राहत फ़ोन नहीं छोड़ रहा था। सरजीत कौर ने उसके हाथ से रिसीवर छीनने की कोशिश की, फिर उसने सेट को पकड़ लिया और इतनी ज़ोर से खींचा कि तार सेट से अलग हो गई। डॉक्टर राहत उसी कमरे में आ गया जहां वो बैठे शराब पी रहे थे। सरजीत कौर ने उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि उस बूढ़े को मर जाने दो और वो मुसलमान होकर डॉक्टर की बीवी बन जाएगी, लेकिन डॉक्टर राहत ने उसे ऐसी बातें कह दी जो वो बर्दाश्त ना कर सके। डॉक्टर राहत ने उसे कहा कि तुमसे मेरी नौकरानी अच्छी है, जिसे अपनी इज्जत अजीज़ है। डॉक्टर राहत ने यह भी कहा कि उसे अगर दूसरी शादी करनी पड़ी तो वो अपनी नौकरानी के साथ शादी कर लेगा, सरजीत कौर के साथ नहीं करेगा। सरजीत कौर पर शराब का और अपनी जवानी का नशा तारी था। उसने डॉक्टर को वैसे ही दो ज़रबें लगाने के लिए शराब की बोतल पकड़ ली और पूरी ताकत से उसके सर पर बोतल की 3-4 ज़रबे लगाएं। बोतल टूट गई, डॉक्टर उठा। सरजीत कौर ने टूटी हुई बोतल का टुकड़ा खंजर की तरह डॉक्टर के मुंह पर मारा। डॉक्टर फर्श पर गिर पड़ा। सरजीत कौर ने मुझे बताया कि उस वक्त वो पागल हो गई थी। जब डॉक्टर फर्श पर गिर पड़ा तो सरजीत कौर ने उसके सीने पर आखिरी वार किया। मैं आपको बता चुका हूँ कि बोतल का जो टुकड़ा सरजीत कौर के हाथ में था वो 3 फलों वाला खंजर बन गया था। सरजीत कौर ने यह टुकड़ा खंजर की तरह डॉक्टर के सीने पर मारा। सरजीत कौर ने यह ना देखा कि डॉक्टर जिंदा है या मर गया है, वो नशे और गुस्से में वहाँ से चली गई। सुबह उसकी आँख खुली तो उसे रात का वाकया इस तरह याद आया जैसे उसने डरावना ख्वाब देखा। उसे यकलख्त याद आया कि रात को वो क्या कर रही है। उसने अपने वो कपड़े देखे जो रात को उसने पहन रखे थे। शलवार के सिर्फ पांचे पर खून के 2-3 छोटे छोटे दाग थे। जब उसका खाविंद अपने काम पर निकल गया तो उसने डॉक्टर राहत के घर टेलीफोन किया, लेकिन उधर से कोई जवाब ना मिला। उसे याद आया कि टेलीफोन और रिसीवर की तार कट गई थी। वो डॉक्टर राहत के क्लिनिक चली गई। क्लिनिक बंद था। उसके साथ वाले दुकानदार से पूछा कि ये क्लिनिक कितने बजे खुलता है। डॉक्टर ने उसे बड़े अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सुना है डॉक्टर साहब रात को घर में कत्ल हो गए। सरजीत कौर इस कदर बेचैन हो गई कि उसने खुदकुशी का इरादा कर लिया। फिर उसने ये भी सोचा कि अपने गांव भाग जाए। वो अकेली रोती भी रही। अगले रोज़ अखबारों में उसने डॉक्टर राहत के कत्ल की खबर पढ़ी। इससे थोड़ी देर बाद मेरा कांस्टेबल उसे बुलाने पहुंच गया। इसके बाद जो कहानी है वो पुलिस और अदालत की कार्रवाइयां हैं। मैंने बड़ी उस्तादी से सरजीत कौर का बयान मजिस्ट्रेट से कलम बंद करवा लिया, जिसमें उसके खाविंद की जहर खोरानी का केस भी शामिल था। केस जब अदालत में गया तो मामूली सा वकील सरजीत कौर की सफाई के लिए आया। डॉक्टर का कत्ल साबित हो गया, लेकिन ये साबित ना किया जा सका कि सरजीत कौर के खाविंद को जो जहर दिया गया था वो सरजीत कौर ने दिया था। डॉक्टर के कत्ल में सरजीत कौर को सजाए उम्र कैद दी गई और यूं ये कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। चाह रहे खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब को ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।